अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं। मैं आप लोगों के साथ आज एक डेप्रिसिएशन का सवाल डिस्कस करना चाह रहा हूँ। अकाउंटिंग फॉर नॉन करेंट एसेट्स भी कहते हैं इसको। और हम जो है वो इस सवाल को देखते हैं कि इस सवाल में क्या है। सबसे पहले तो जो पहली रिक्वायरमेंट है ना, उस हिसाब से हमें अपने मशीनरी का अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट और डिस्पोजल अकाउंट बनाना है। तो मैंने उसके फॉर्मेट्स आपके सामने जो है ना यहाँ पर बना लिए हैं कि क्या फॉर्मेट्स होंगे। ठीक है जी, तो ये तीन अकाउंट हमें स्पेसिफिकली बनाने हैं सवाल की प्रैक्टिस में। अब हम जो है वो अपना काम शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं बैच रन्स अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एंड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन एट 1 जनवरी 2012 इज शोन बिलो। और नॉन करेंट एसेट्स में आपके पास फैक्ट्री प्रमिसेस और मशीनरी की डिटेल्स है। अच्छा, अगर सवाल की रिक्वायरमेंट देखें ना, तो लिखा हुआ है प्रिपेयर दी फॉलोइंग लेजर अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2012। मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी अकाउंट एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। तो मशीनरी का जो अकाउंट होगा, इसका सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस आएगा, यानी कि 1 जनवरी वाले दिन आपके पास जो बैलेंस ब्रॉड डाउन आ रहा है सवाल में, कॉस्ट पर कॉस्ट जो दी हुई है बैलेंस ब्रॉड डाउन, वो 1386000 है। ठीक है, 1386000 की कॉस्ट दी हुई है। अच्छा, जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, उसका 1 जनवरी का जो ब्रॉड डाउन दिया हुआ है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जिसको हम कहते हैं, वो 522200 है। इसके बाद आपके पास जो है वो नेट बुक वैल्यूज दी हुई है। ठीक है, ड्यूरिंग 2012 द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस फॉर मशीनरी। ये ट्रांजेक्शन हुई हैं। पहली पहले लिखा हुआ है डिस्पोजल, आपने ये मशीन्स डिस्पोज करी हैं, ईयर ऑफ परचेज इस साल में खरीदी थी, इनिशियल कॉस्ट ये थी, डिस्पोजल प्रोसीड्स ये हैं, 26 मार्च, 17 अगस्त और 13 दिसंबर को डिस्पोजल किए हैं। जब डिस्पोजल करते हैं तो आप लोगों को मालूम है कि जो एसेट डिस्पोज होता है वो डिस्पोजल अकाउंट डेबिट और मशीनरी अकाउंट क्रेडिट, यानी कि मशीनरी अकाउंट से निकाल दिया जाता है। तो 26 मार्च, 17 अगस्त और 13 दिसंबर, ठीक है ना, ये तीन हमारे डिस्पोजल हैं। ये वैल्यूज़ डिस्पोजल अकाउंट में चली जाएंगी, डिस्पोजल अकाउंट में चली जाएंगी, डिस्पोजल अकाउंट में चली जाएंगी। जब आप कोई एसेट डिस्पोज ऑफ करते हो तो डिस्पोजल अकाउंट डेबिट और मशीनरी अकाउंट क्रेडिट होता है। और कॉस्ट पर ये काम किया जाता है, तो 14,000, 8,000 और 9,600। ठीक है जी। अच्छा, कोई एसेट परचेज करते हैं तो मशीनरी अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। आप देखें कि दो एडिशन हैं ड्यूरिंग द ईयर, एक 20 अप्रैल को आपने चीज़ खरीदी है, 20 अप्रैल को एक चीज़ खरीदी है और एक 25 अक्टूबर को चीज़ खरीदी है। ठीक है ना, एंट्री पास होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो आपने दोनों केसेस में बैंक अकाउंट का रेफरेंस दिया और अमाउंट से 11,500 और 16,200। ठीक है जी, तो ये आपके पास मशीनरी का अकाउंट बन गया। 31 दिसंबर वाले दिन आप इस अकाउंट को क्लोज करोगे, बैलेंस ब्रॉड डाउन कैरी डाउन निकाला जाता है जैसे कि हर बार निकालते हैं। तो ये आपने इसको किया टोटल। ठीक है जी, वन सिक्स 300। अच्छा, ये बैलेंस वगैरह आना होगा, पहले तो यहाँ पर भी 1,6,300 आ जाएगा और इसमें से हम जो यहाँ पर क्रेडिट साइड्स पे अमाउंट आ रहे हैं उन सारे अमाउंट्स को माइनस करेंगे तो ये हमारा कैरी डाउन आ गया। ठीक है जी, तो ये हमारा मशीनरी के अकाउंट बन गया। ब्रॉड डाउन दिया हुआ था, डिस्पोजल्स कॉस्ट पर हटा दिए और एडिशंस कॉस्ट पर ऐड कर दिए और कैरी डाउन का एक बैलेंस हमने निकाल लिया। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन के अकाउंट पर आते हैं। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन के अकाउंट में क्या होगा, सवाल में लिखा हुआ है ऑल रिसीव्स एंड पेमेंट्स फॉर दीज ट्रांजेक्शन आर प्रोसेस थ्रू दी बिजनेस बैंक अकाउंट। ऑल ऑफ द रिमेनिंग मशीनरी 31 दिसंबर 2012 वॉज परचेज्ड आफ्टर 2008। डेप्रिसिएशन ऑन द फैक्ट्री प्रमिसेस इज चार्ज ऑन ए स्ट्रेट लाइन बेसिस ऑन अ 50 ईयर्स लाइफ विद नो रेजिडुअल वैल्यू। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी इज चार्ज ऑन ए स्ट्रेट लाइन बेसिस बेस्ड ऑन अ 5 ईयर्स लाइफ एंड एन एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 10% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट। इट इज़ अ कंपनीज पॉलिसी टू चार्ज अ फुल ईयर्स डिप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज बट नन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। तो डिप्रिसिएशन का रेट जो है वो 5 साल की डिप्रिसिएशन है और स्ट्रेट लाइन मेथड पर है आफ्टर अ स्क्रैप वैल्यू ऑफ 10% ऑफ कॉस्ट। तो देखें, अगर हम डिप्रिसिएशन की वर्किंग करते हैं ना,
और डिप्रिसिएशन की वर्किंग अगर हम करेंगे तो हमारे पास मुख्तलिफ एसेट्स हैं, बहुत सारे एसेट्स हैं। सबसे पहले हम उन एसेट्स की बात कर लेते हैं जो ड्यूरिंग द ईयर मैंने डिस्पोज ऑफ करें, और ये चले सारे ही एसेट्स की हम बात कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन हमें स्ट्रेट लाइन मेथड पर लगानी है, एग्रीड, डेप्रिसिएशन हमें स्ट्रेट लाइन मेथड पर लगानी है, और इट इज़ द कंपनीज पॉलिसी टू चार्ज अ फुल ईयर्स डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज बट नन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। कंपनी की ये पॉलिसी है कि वो एक फुल ईयर की डेप्रिसिएशन लगाएगी उन एसेट्स पर जो कंपनी के इस्तेमाल में साल के आखिर में हैं और ड्यूरिंग द ईयर परचेज करे हैं, लेकिन उन एसेट्स पर कोई भी डिस्पोजल, कोई भी डिप्रिसिएशन नहीं लगेगी जो कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर बेच दिए। तो डिप्रिसिएशन फॉर द ईयर कैलकुलेट करना तो बड़ा आसान है। डिप्रिसिएशन फॉर द ईयर की एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन क्रेडिट, और वो कुछ इस तरह से होगा कि देखिए आपके पास साल के एंड में 134,700 के एसेट्स हैं। ये जो 134,700 के एसेट्स हैं इसमें वो एसेट्स शामिल हैं जो आपने ड्यूरिंग द ईयर परचेज करे हैं, और वो एसेट्स भी शामिल है जो आपके पास साल के शुरू में थे और साल के आखिर तक हैं और आपने डिस्पोज ऑफ नहीं करे हैं। जो एसेट्स आपने डिस्पोज ऑफ करे होंगे वो इसमें शामिल नहीं है और उस पर ड्यूरिंग द ईयर की डेप्रिसिएशन भी नहीं लगानी। अच्छा, सवाल ये कहता था कि आप जो आपकी स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू होगी वो आपके कॉस्ट का 10% होगी, तो अगर 134,700 इज़ कॉस्ट तो स्क्रैप वैल्यू इसी का 10% हो जाएगी। और स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन का तरीका क्या होता है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। तो कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू हमने कर लिया, कॉस्ट का ही 10% उसकी स्क्रैप वैल्यू है, तो हमने कॉस्ट में से उसी का 10% माइनस किया। और यूजफुल लाइफ जो दी हुई है सवाल में हमें, वो दी हुई है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी इज चार्ज ऑन ए स्ट्रेट लाइन बेसिस बेस्ड ऑन अ 5 ईयर्स लाइफ, तो हमने 5 से डिवाइड किया तो हमारे पास 24,246 की डेप्रिसिएशन आ गई। ये जो 24,246 की डेप्रिसिएशन आई है, इस 24,246 की डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए मैंने कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू को माइनस किया। एग्रीड, कॉस्ट में से मैंने स्क्रैप वैल्यू को माइनस किया, सही है, और उसको 5 से डिवाइड किया है। और ये 134,700 की वैल्यू लेने की लॉजिक ये है कि मुझे उन एसेट्स पर डिप्रिसिएशन लगानी थी जो ड्यूरिंग द ईयर मैंने परचेज करे या मेरे पास शुरू से आखिर तक थे, लेकिन जो डिस्पोज ऑफ कर दिया उस पर डिप्रिसिएशन नहीं लगनी थी। तो जिनको डिस्पोज ऑफ कर दिया क्योंकि उस पर डिप्रिसिएशन नहीं लगनी थी तो वो इसमें शामिल है भी नहीं। अच्छा जी, अब जो चीज़ें डिस्पोज ऑफ करी, एक चीज़ मैंने डिस्पोज ऑफ करी 26 मार्च, तो उसकी जो डिप्रिसिएशन होगी वो डिस्पोजल अकाउंट में जाएगी। अब वो कितनी होगी, जो एसेट मैंने 26 मार्च को डिस्पोज ऑफ किया वो 2009 में ख़रीदा था, तो 2009, 2010, 2009 में ईयर ऑफ परचेज है, 2009 की डिप्रिसिएशन लगेगी, 2010 की लगेगी, 2011 की लगेगी, 3 साल की डिप्रिसिएशन लगेगी, 2012 की नहीं लगेगी क्योंकि 12 में आपने बेच दिया है और जिस साल एसेट बेचा जाता है उस साल डिप्रिसिएशन नहीं लगाते, ये कंपनी की पॉलिसी है। तो कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, ये 1 साल की डिप्रिसिएशन आएगी क्योंकि इस एसेट को 3 साल इस्तेमाल किया था, तो 3 साल की डिप्रिसिएशन मुझे अपने प्रोविजन के अकाउंट में से डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफ़र करनी है, तो मल्टीप्लाइड बाई 3,7,560। दूसरा एसेट मैंने डिस्पोज ऑफ किया था 17 अगस्त वाले दिन, 17 अगस्त वाले दिन जब मैंने ये एसेट डिस्पोज ऑफ किया था तो इसकी डिप्रिसिएशन कैसे आएगी, जो आपके पास एसेट डिस्पोज ऑफ किया उसकी वैल्यू कॉस्ट माइनस उसकी स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। अच्छा, जो एसेट 17 अगस्त को मैंने डिस्पोज ऑफ किया है वो 2008 में ख़रीदा था, विच मीन्स मैं 4 साल यूज़ कर चुका हूँ उसको, तो 5,760। इसके बाद 13 दिसंबर को एक एसेट डिस्पोज ऑफ किया है, उसकी भी जितनी एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन है वो डिस्पोजल अकाउंट में जाएगी, और वो कितनी होगी, कॉस्ट यानी कि 9,600 माइनस कॉस्ट का 10% यानी कि स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, और जो यूजफुल लाइफ है हमारे पास वो यूजफुल लाइफ 2007 में ये एसेट ख़रीदा था, तो 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 5 साल हो गए, 5 सालों की डिप्रिसिएशन इसकी।
ये एसेट्स मैंने डिस्पोज ऑफ करे हैं। फाइनली मैं अपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट को क्लोज कर सकता हूँ। ये मेरी डेबिट साइड क्रेडिट साइड का टोटल है और यही मेरी डेबिट साइड्स का टोटल होगा। और 31 दिसंबर वाले दिन बैलेंस कैरी डाउन या अगली बार का ब्रॉड डाउन। फाइव फोर फोर एट सिक्स। ठीक है जनाब, तो ये हमारे पास वैल्यूज आ जाती हैं। सही है जी। अच्छा, डिस्पोजल अकाउंट, डिस्पोजल अकाउंट जब हम बनाते हैं कोई ऐसे डिस्पोजल होता है तो डिस्पोजल अकाउंट डेबिट और मशीनरी का अकाउंट क्रेडिट होता है। तो ये वैल्यूज हमें लेकर जानी है सारी की सारी। मैं यहाँ पे ज़रा लिख लूँ, बल्कि एक काम करते हैं ना, इक्वल्स टू, क्योंकि डेट्स भी यही होंगी। ठीक है जी। और यहाँ पर सिर्फ मशीनरी लिखा हुआ आ रहा होगा, मशीनरी अकाउंट, और वैल्यूज भी यही होंगी। ठीक है जी। अच्छा, क्रेडिट साइड पर क्या होगा? क्रेडिट साइड पर आपके पास जो है वो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन जितनी भी है इनकी वो सारी आ रही होंगी। और ये इनकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की वैल्यूज या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है जी। अच्छा, अब बैंक में जो पैसा आया है, बैंक में जो पैसा आया है, बैंक डेबिट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट क्रेडिट, तो आपके पास डेट्स यही हैं। जो आपने 26 मार्च को चीज़ बेची थी उसकी एंट्री बैंक डेबिट और प्रो डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, डिस्पोजल प्रोसीड 7,100 है। बैंक 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 डिस्पोजल प्रोसीड 7,100, फिर 13, 20 और 8,50। ठीक है जी। फाइनली मैं अपना डिस्पोजल अकाउंट भी बैलेंस कर कर और कंप्लीट कर सकता हूँ। और डेबिट साइड्स का जो टोटल आ रहा है वो है 31,600। क्रेडिट साइड का टोटल अगर चेक करते हैं ना, तो वो 31,230 है। क्योंकि वो 31,230 है, दिस मीन्स के आपका जो बैलेंसिंग फिगर है जो PNL में जाएगा होगा 370। 370 31 दिसंबर वाले दिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। तो ये एक और प्रैक्टिस का क्वेश्चन था। छह सवाल में एक और रिक्वायरमेंट है, आइडेंटिफाई टू ऑल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर डिप्रिसिएशन। तो बहुत सारे मेथड्स हैं। नंबर वन आपके पास रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। अच्छा, टू ऑल्टरनेटिव मेथड्स बोला था, तो हम स्ट्रेटेड मेथड को इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर आपके पास रीवैल्यूएशन मेथड है डेप्रिसिएशन का। फिर आपके पास यूनिट्स ऑफ आउटपुट रिड्यूस्ड मेथड है। सी में बोलते हैं स्टेट थ्री कॉजेस ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज करते हैं। तो एक चीज़ हो सकती है फिजिकल डेटो डेटो डिट्रियोरेशन और उसके बाद ऑप्सेलेंस, उसके बाद आप इसी तरह के कुछ फैक्टर्स लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल टाइम फैक्टर हो गया कि यार एक एसेट बहुत पुराना हो गया इसलिए उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करनी चाहिए। ठीक है ना, आउटडेट, आउटडेटेड एसेट। ठीक है जी। तो ये आपके पास एक और सवाल हो गया, आप इसको प्रैक्टिस करें और इंशाल्लाह अपनी चीज़ों को ग्रिप करें।